फतेहाबाद में विधायक को दिखाए काले झंडे, रतिया में किसानों ने किया विरोध, सीएम रैली का निमंत्रण देने गए थे लक्ष्मण नापा। रविवार को फतेहाबाद के रतिया क्षेत्र के गांव चनकोठी में विधायक लक्ष्मण नापा को ग्रामीण दौरे के दौरान किसान संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ा। किसान संगठनों से जुड़े लोगों ने गाँव में एकजुट होकर विधायक के गाँव में आगमन पर विरोध जताते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए तथा भाजपा सरकार और विधायक के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। हालांकि किसानों द्वारा विरोध करने की सूचना मिलने के चलते प्रशासन द्वारा सदर थाना प्रभारी ओम प्रकाश बिश्नोई के नेतृत्व में विधायक के आने से पूर्व ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया था। आपको बता दें कि किसान संगठनों ने दो दिन पूर्व बैठक कर रतिया में 5 अप्रैल को मुख्यमंत्री आगमन का विरोध करने का निर्णय लेते हुए कहा था कि गांव में भी भाजपा के कार्यक्रमों का विरोध किया जाएगा। रविवार को जब रतिया विधायक लक्ष्मण नापा लोकसभा सिरसा उम्मीदवार अशोक तंवर के समर्थन में वोट मांगे तथा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की 5 अप्रैल की रतिया रैली के न्योते को लेकर ग्रामीण दौरे के तहत गांव चनखोटी में पहुंचे तो इसी दौरान भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहा हरियाणा के ब्लॉक अध्यक्ष गुरलाल सिंह के नेतृत्व में अनेकों किसान एकजुट हो गए और गाँव में विधायक लक्ष्मण नापा के आने पर काले झंडे दिखाते हुए विरोध करना शुरू कर दिया। 6 माह से मुआवजे को तरस रहे किसान, किसानों ने कहा कि बाढ़ में किसानों की फसलों का नुकसान हुआ। हरियाणा सरकार ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में फसलों, बाढ़ के कारण घरों की मरम्मत और बाढ़ के कारण खराब हुए ट्यूबवेल की मरम्मत करने के लिए मुआवजा देने का वादा किया था, परंतु मुआवजा मात्र 12% किसानों को मुआवजा दिया गया तथा बाकी 88% किसान पिछले 6 महीने से मुआवजे को तरस रहे हैं। विधायक के जाने पर शांत हुए किसान, उन्होंने कहा कि 20 फरवरी को दिल्ली जा रहे किसानों पर बहुत ही बर्बरतापूर्ण गोलियां मारी गई तथा यूपी में किसानों को कुचलने का काम करते हुए किसानों की हत्या की गई, इसलिए वे किसानों के हत्यारे भाजपा के नेताओं गांव में नहीं घुसने देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को चुनाव के वक्त ही ग्रामीण की याद आ रही है, लेकिन पिछले 5 सालों में उन्होंने किसानों ग्रामीणों के खिलाफ तानाशाही नीति अपनाई। विधायक द्वारा जल्दी कार्यक्रम को निपटाकर गाँव से चले जाने के बाद किसान शांत हुए।